वाड़ी पुलिस ने दो सेंधमारों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों से सेंधमारी के 10 मामले उजागर हुए हैं। 2,86,900 रुपए का माल जब्त किया गया है। खास बात यह है कि दोनों दिन में बंद मकानों में चोरियां करते थे। विकास नगर खड़गांव रोड वाड़ी निवासी सुरेश महेश राठौड़ उम्र 37 साल ने वाड़ी थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल गत 6 जुलाई 2024 को वह रात करीब 11:30 बजे घर को ताला लगाकर परिवार के साथ बाहर भोजन करने गए थे। इस दौरान चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और नगद 30,000 व टीवी सहित करीब 48,000 रुपए का माल चुरा ले गए थे। पुलिस ने मामले की दर्ज कर जांच शुरू की। गुप्त सूचना पर पुलिस ने आरोपी तरुण उर्फ तूफान अशोक मिश्रा उम्र 24 साल जेपी नगर जूनी कामटी निवासी को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि वह फिलहाल वैभव नगर टेकड़ीवाड़ी में रहता है। कड़ी पूछताछ में उसने सेंधमारी करने की बात स्वीकार की। उसने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त अमन बासा कड़े गौतम नगर टेकड़ीवाड़ी निवासी के साथ मिलकर चोरी करता है। पुलिस ने तरुण की निशानदेही पर अमन को धर दबोचा। अमूमन चोर रात में चोरी करते हैं, लेकिन तरुण अमन के साथ दिन में चोरी करता था। आरोपियों ने केवल वाड़ी इलाके में 5 मकानों में चोरी करने की जानकारी पुलिस को दी है। गिटीगदान क्षेत्र में 1, कुही में 2, केलवत में 1 सेंधमारी सहित 10 घरों में चोरी करने की बात स्वीकार की है। आरोपियों में टीवी, सोने चांदी के गहने, घटना में उपयोग की गई बाइक सहित करीब 2,86,900 रुपए का माल जब्त किया गया है। पुलिस निरीक्षक राजेश तटकरे, पुलिस निरीक्षक SB देशमुख, क्राइम के नेतृत्व में सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल सावंत, SC तुलसीदास शुक्ला, नायब सिपाही अजय पाटिल, दुर्गादास माकड़े, सोमेश्वर बर्दे, राहुल बोटरे व अन्य कर्मियों ने कार्यवाही की। वाड़ी पोलीस स्टेशन के तपास पथका प्रभारी अधिकारी APS सावंत साहब आणि त्यांच्या पथकाने गुप्त बातमीदार त्याचप्रमाणे CCTV मदतीने तरुण उर्फ तूफान अशोक मिश्रम राहणार आहे जुनी कामठीचं आणि सध्या वैभव नगर टेकडी नागपूर व त्याचा सहकारी अमन मधुकर बारसागडे हा गौतम नगर येथील राहणाऱ्या टेकडीवाडीतील या दोघांना ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्यांच्याकडून चौकशी करून त्यांनी 19 ठिकाणच्या घरफोडे केल्याचं मान्य केलं। त्यांच्याकडून वाडी पोलीस स्टेशनच्या 6 घरपोड्या, गिटी खदान पोलीस स्टेशनची 1, कुही पोलीस स्टेशनच्या 2 आणि केळवत पोलीस स्टेशनची 1 अशा घरपोड्या पोलीस स्टेशनच्या 19 घरपोड्या उघड झालेल्या आहेत। सदर आरोपितांकडून आतापर्यंत 1 टीव्ही, 23.5 ग्रॅम सोनं, 50 ग्रॅम चांदी आणि 1 स्प्लेंडर मोटरसायकल जप्त करण्यात आलेली आहे। सदरची कामगिरी ही तपास पथकाने माननीय पोलीस आयुक्त श्री रवींद्र सिंघल सर, माननीय अपर पोलीस आयुक्त शिवाजी राठोड सर, झोनवन चे पोलीस उपायुक्त श्री निमित गोयल सर आणि त्यापूर्वी असलेले तत्कालीन पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव सर, आमचे ACP साहेब आदरणीय सतीश गुरव सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कामगिरी केलेली आहे। सध्या आरोपी PCR मध्ये आहेत, त्यांच्याकडे अधिक तपास चालू आहे। NBC न्यूज के लिए वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट।